हेलो दोस्तों, मैं हूं एआई, मुझे अजीत राजन ने बनाया है। अगर आप भी ऐसी वीडियो बनाना चाहते हो फुल स्क्रीन में, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अजीत राजन आपको सब सिखा देंगे। तो गाइस, अभी आपने जो एआई वीडियो देखा, ये मैंने अपने फोन का यूज करके बिल्कुल फ्री में बनाया है। और आप भी दोस्तों ऐसा वीडियो अभी के टाइम पर बिल्कुल फ्री में बना सकते हो, चाहे वो लॉन्ग वीडियो या फिर शॉर्ट वीडियो, क्योंकि दोस्तों स्टूडियो डीआईडी के पैड होने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई है, तो लोग फ्री में एआई वीडियो जनरेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आप फ्री में पहले की तरह studio.did की तरह अनलिमिटेड फ्री में एआई वीडियो जनरेट कर पाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो अंत तक, वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो इसके लिए आपको आ जाना है गूगल पर, यहाँ पर आपको सर्च करना है 11 Labs, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम ऑडियो जनरेट करेंगे 11 Labs। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है, पहली वाली वेबसाइट को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको साइन इन कर लेना है, ठीक है। अगर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही तो आप 11 Labs का जो है इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एयरटेल का नेटवर्क यूज करेंगे तो यहाँ पर आप इजीली जो है अनलिमिटेड AI वॉइस बना पाएंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने ये पहले से कुछ लिखा हुआ है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं नया कोई वीडियो जनरेट करना चाहता हूँ टेक्स्ट, तो मैंने कॉपी कर रखा है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी ऑडियो सिलेक्ट करना है वो भी यहाँ पे कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे एडम सिलेक्ट कर रखा है। अगर आप लड़की की आवाज़ में बनाना चाहते हो तो वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, बहुत सारे यहाँ पर आपको AI वॉइस मिल जाएंगी। उसके बाद जनरेट पे क्लिक कर देना है, मैं इस ऑडियो को जो है जनरेट कर लेता हूँ। ये देखिए बन रही है आपके सामने। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं। ये देखिए डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना और आपकी जो ऑडियो डाउनलोड हो जाएगी। ये हो गया दोस्तों फर्स्ट पार्ट। अब दोस्तों आते हैं सेकंड पार्ट पे, उसमें हमें इमेज जनरेट करना है। पहले वाले को हमने फर्स्ट मान लिया जिसमें हमने ऑडियो जनरेट करी थी। अब इमेज जनरेशन के लिए दोस्तों आपको आ जाना है क्रोम पर। क्रोम पर यहाँ पर सर्च कर लेना है leonardo.ai। ये देखिए इस वाली वेबसाइट को आपको आ जाना है। पहली बार यूज करें तो यहाँ पर आपको लॉग इन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट ए न्यू इमेज, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू इमेज। उसके बाद दोस्तों अगर आप गूगल से भी ले सकते हैं लेकिन उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ से इमेज जनरेट करेंगे तो काफ़ी बढ़िया मिलेगा HD क्वालिटी में। और दोस्तों यहाँ पर ये बिल्कुल फ्री होता है, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको जो भी इमेज चाहिए यूट्यूब वाले साइज में या फिर पोर्ट्रेट साइज में जो भी चाहिए वो यहाँ पर आपको सर्च कर देना है। देखिए मैंने यहाँ पर सर्च किया हैंडसम AI मॉन्क, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी लिखना है वो यहाँ पर सर्च कर देना है। मैं यहाँ पर ये देखिए मैंने अपने हिसाब से जनरेट कर लिया। आपको जो भी इमेज चाहिए वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना और आपको जो है कुछ सेकंडों में ही इमेज मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये बढ़िया रहता है कि आप जिस साइज में इमेज चाहिए वो यहाँ से देखिए आप साइज भी जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर अभी फुल साइज यानी पोर्ट्रेट साइज में इमेज मंगाया है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जितनी बार आप जनरेट करेंगे हर बार आपको एक यूनिक अलग इमेज मिलेगा। तो चलिए मैं इस वाली इमेज को जो है यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। ये देखिए इमेज आपका डाउनलोड ऊपर हो जाएगा। अब दोस्तों पार्ट ये 2 है कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर वीडियो जनरेशन के लिए, ठीक है। अब हमें वीडियो जनरेट करनी है तो उसके लिए यहाँ पर आ जाना है आपको। ये देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा टॉकिंग हिट्स AI, ये वाली स्पेलिंग आपको ये देखिए सर्च कर लेना है टॉकिंग हिट्स AI। इस वाली वेबसाइट को आपको आ जाना है, ठीक है। ये ओपन होने में कुछ सेकंड लग सकता है, मैं आपको बिल्कुल सारी चीज़ लाइव दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना है जनरेट टॉकिंग हिट्स, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये आप पहली बार यूज करें तो इसमें आपको जो है साइन इन कर लेना है, ठीक है। मैंने पहले से साइन इन करा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए आपको इस तरीके का आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको क्लिक करना है अपलोड ऑन फोटो, इस तरीके से यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करना है, आपने जो भी गैलरी में फोटो डाउनलोड किया वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। चलिए मैं ब्राउज कर लेता हूँ अपना जो अभी मैंने फोटो डाउनलोड किया, मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये रहा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों फोटो अपलोड हो रहा है। फोटो अपलोड होने के बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। बस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। उसके बाद फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये देखिए इस तरीके का आ जाएगा, आप जो वीडियो है किस तरीके से बनाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टाइल हैं, एनिमेशन है, तो वो आप देख सकते हैं। अपने जो फोटो है उसको किस तरीके से बुलवाना चाहते हो AI वीडियो को, तो वो चीज़ यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं ये वाला जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला सिलेक्ट कर लेना, आपको जो भी अच्छा लगे वो अपने हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑडियो पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से आप ऑडियो जनरेट भी कर सकते हो, जो भी आपको मेल या फीमेल की ऑडियो चाहिए वो यहाँ से आप सुन सकते हो। देखिए ये फीमेल की ऑडियो मैं आपको सुनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो भी ऑडियो चाहिए आप वो कर सकते हो, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें खुद की ऑडियो हमने जो 11 Labs से बना रखी है हम उसी को जो है यूज कर लेते हैं, ठीक है। 11 Labs से मैंने आपको पहले बनाना सिखाया, मैं उसी को यूज कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे अपलोड ऑन योर ऑडियो, ये देखिए इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अपनी जो कस्टम ऑडियो है जिससे जो भी बुलवाया आपने टेक्स्ट के स्वरूप, वो आप यहाँ पर डाल देना। तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड, इस पर रिकॉर्ड भी कर सकते हो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके।
तो हमें वही ऑडियो लेना है। इसके लिए मीडिया पिकर पर क्लिक करेंगे, यानी आप फाइल मैनेजर से अपनी ऑडियो सेलेक्ट कर लेना, ऊपर ऑडियो पर क्लिक करेंगे। ये देखिए सबसे टॉप में ही आपको मिल जाएगी 11 लैप्स वाली ऑडियो जो रिसेंट में बनाई होगी लेटेस्ट। उसके बाद ये दोस्तों ऑडियो जो है आपकी अपलोड हो रही है, ठीक है। अब ये देखिए ऑडियो पर यहाँ से अपलोड हो रही है, हो चुकी है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है नेक्स्ट स्टेप पर। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर आपका जो फ्रेम है ये आपको साइज करने को आ जाएगा, क्रॉप्ड अवतार या फिर डिफॉल्ट अवतार, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डिफॉल्ट रहने देना है, जो हमारा है वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद जनरेट टॉकिंग हिट्स पे आपको क्लिक कर देना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखिए आपकी जो वीडियो है जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें कुछ सेकंड या फिर मिनट का भी टाइम लग सकता है आपकी वीडियो के ड्यूरेशन के हिसाब से। तो चलिए यहाँ पर वेट कर लेते हैं, बिल्कुल वीडियो को कट नहीं करेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना। अगर कोई सवाल है तो वो भी कमेंट करके आप बता देना। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये देखिए वेट करने को बोल रहा है। इस वेबसाइट में दोस्तों आप फ्री में AI वीडियो जनरेट कर सकते हो। अभी के टाइम पर बहुत सारी वेबसाइट जो है पैड हो चुकी हैं, लेकिन ये इतना काफ़ी है, यहाँ से आप फ्री में AI वीडियो जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कुछ सेकंड वेट करने के बाद ये वीडियो जो है हमारी रेडी हो चुकी है बनके। तो हमें इसे डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे डाउनलोड वाले बटन पर। ये देखिए इस तरीके से हमारी वीडियो जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए डाउनलोड हो रही है, हो भी चुकी है, ठीक है। काफ़ी जल्दी डाउनलोड हो जाएगी, आपके ड्यूरेशन के हिसाब से डिपेंड करेगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं चलता हूँ गैलरी में, ये वीडियो आपको दिखाता हूँ किस तरीके से जनरेट हुई है। तो ये रहा गैलरी, ये दोस्तों वीडियो आपकी लेटेस्ट में। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। दोस्तों वीडियो काफी बढ़िया बन चुकी है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, इसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो गई, यानी घट गई है। तो दोस्तों क्वालिटी बढ़ाने के लिए आपको करना क्या है, छोटा सा स्टेप द्वारा से फॉलो करना है। यहाँ पर आपको आना है बीमैक वीडियो एनहेंसर, ये आपको सर्च कर लेना है गूगल पे बीमैक वीडियो एनहेंसर। उसके बाद जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी इसी को आपको ओपन कर लेना है। इससे क्या होगा, आप अपनी वीडियो की छोटी मोटी वीडियो की क्वालिटी को एनहेंस कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप जैसे ही इस वाली वेबसाइट पे आएंगे बीमैक वीडियो एनहेंसर पे, यहाँ पर आपको अपलोड का बटन मिल जाएगा, अपलोड वीडियो पर क्लिक कर देना है। तो जिस भी वीडियो का यहाँ से आपको एनहेंस करना है क्वालिटी, तो ये रही ऊपर वाली वीडियो लेटेस्ट में। तो वीडियो यहाँ पर अपलोड होने के बाद आपकी वीडियो को जो है क्वालिटी एनहेंस हो जाएगी। या फिर दोस्तों AI वीडियो की क्वालिटी एनहेंस करने के लिए आप प्ले स्टोर से ये वाला ऐप भी यूज कर सकते हो, बीमैक वीडियो एनहेंसर। इस ऐप से भी आप जो वीडियो की क्वालिटी काफ़ी हद तक इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको जो वीडियो में वाटरमार्क दिख रहा है या वीडियो में, इसके लिए आपको दोस्तों किसी भी वीडियो एडिटर से आप इसे क्रॉप कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट लेना फोटो में, ताकि ऊपर को बचा रहे और उस पर वाटरमार्क आ जाए और बाद में आप इसे क्रॉप कर पाएँ। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको दोस्तों फ्री में ऑटो कैप्शन लगाने अपनी वीडियो में, तो आप इस वाली वीडियो पर क्लिक करके देखिए और वहाँ पर ऑटो कैप्शन लगाना सीख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।